आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 660 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखिए आप लोग ने भी कई बार 26 जनवरी 15 अगस्त को परेड होते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक परेड करवाना है, कंडीशंस क्या है। तो देखिए उस परेड में, उस मार्च में कितने लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले वहाँ फ्रंट में होंगी हमारे रिस्पेक्टेड आर्मी बैंड, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 32। इतना क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड ये हैं 32। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कॉन्टिजेंट मीन्स आर्मी का जो दल होता है ये दिया हुआ है 616। इतने लोग उस मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पूछा है इन दोनों ही ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये सेम होंगे, जो कि हर परेड में खैर होता भी है, ठीक है। कोई भी बंदा रहना जाए, ठीक है, सारे जो हैं लोग पार्टिसिपेट करें उस मार्च में। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हम मैक्सिमम कितने फॉर्म कर सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जो मेंबर है हर एक कॉलम में होने चाहिए और कोई भी पार्टिसिपेट करना रहना जाए, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए कितने कॉलम्स बनेंगे, तो उतने ही कॉलम्स बनेंगे जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, तभी तो कोई रहेगा नहीं, ठीक है। तो मीन्स फैक्टर की बात हो रही है। दूसरी चीज मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है, तो मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बस ये निकाल लीजिए। तो वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616। तो इनमें ग्रेटर नंबर क्या है 616, ये बन जाएगा डिविडेंड, स्मॉलर नंबर ये बन जाएगा डिविजर। अब ये 19 टाइम्स में यहाँ जाएगा, 19 टू जो 38 कैरी 3, 57 प्लस 3 60, 616 माइनस 608 8 रिमाइंडर। अब ये जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिविजर और लास्ट डिविजर ये डिविडेंड, 8 4 जो 32। अब रिमाइंडर आ गया 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया लास्ट डिविजर हमारा एच सी एफ होगा, एच सी एफ यहाँ से आ गया 8। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा था ये कितने बनेंगे 8। अब ये 8 का मतलब क्या है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, हालांकि ये यहाँ पे आंसर आ गया। तो 8 कॉलम्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनके पीछे सभी लाइनअप होंगे, तो यहाँ 32 मेंबर्स हैं, 8 कॉलम्स हैं, तो रोज कितने बनेंगे, ऐसे ऐसे 4 रोज होंगी, तो 8 4 जा 32, ये सभी पार्टिसिपेट कर लिए। अब इनके पीछे, अब इन 8 कॉलम्स में 616 है, तो 616 अपॉन 8, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 5 56 77। अब यहाँ इसके पीछे 77 रोज और बनेंगे जिसमें हमारे आर्मी कॉन्टिजेंट के मेंबर्स होंगे, ये कितने होंगे 616 मेंबर्स, ठीक है। तो 4 रोज आर्मी बैंड और उनके पीछे 77 रोज, ये होंगे आर्मी कॉन्टिजेंट के, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 8। कोई भी यहाँ मेंबर पार्टिसिपेट करना नहीं रह गया और यही कंडीशन था। सो 8 कॉलम्स इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड। एक मर्चेंट है जिसके पास 120 लीटर्स ऑफ ऑयल है एक प्रकार के, 180 लीटर्स ऑफ अनदर काइंड दूसरा जो तेल है वो उसके पास 180 लीटर्स है, एंड 240 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड और जो तीसरे प्रकार का जो ऑयल है वो उसके पास 240 लीटर्स है। ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाई फिलिंग 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अब वो तीनों ही टाइप्स के जो ऑयल है उनको टीन में फिल करना चाहते हैं और हर एक टीन की जो कैपेसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टीन, ग्रेटेस्ट है
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो वो जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ टीन, हर एक टीन की जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है वो कितनी होगी, और हर एक टीन इक्वल कैपेसिटी का होना चाहिए। तो वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 120, 180 एंड 240, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे 180 ग्रेटर नंबर है डिविडेंड, 120 है स्मॉलर नंबर है डिविजर, ये वन टाइम्स में जाएगा। यहाँ आ गया रिमाइंडर 60, डिविजर बन गया, और लास्ट डिविजर डिविडेंड 62 या 120, रिमाइंडर आ गया 0। तो एचसीएफ लास्ट डिविजर, तो यहाँ से एचसीएफ ऑफ 120 एंड 180 ये आ गया 60। अब ये जो 60 आया है और 240, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ ऑफ 60 एंड 240, तो 60 डिविजर 240 डिविडेंड, 64 या 240, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ से लास्ट डिविजर 60 है, सो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 120, 180 एंड 240, 120, 180 एंड 240, ये कितना आ जाएगा 60। तो 60 लीटर्स का आपको जो कैपेसिटी है टीन की वो होनी चाहिए। अब देखिए इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, 60 लीटर्स का हर एक टीन होना चाहिए, तो इसके लिए कितने टीन लगेंगे, दो। 180 लीटर्स के लिए तीन टीन बनेंगे और 240 लीटर्स के लिए चार टीन बनेंगे। अब हर एक टीन की कैपेसिटी 60 लीटर्स है, कोई भी ऑयल बचा नहीं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बींग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 इंच एंड क्राउंस इन पैक्स ऑफ 32 इंच। इफ यू वॉन्ट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्राउंस, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। एक सेल में कलर पेंसिल्स का जो पैकेट है, उस पैकेट में हर एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल्स है, और क्राउंस का जो हर एक पैकेट आ रहा है उसके हर एक पैकेट में 32 क्राउंस है। अब आप ऐसे कितने पैकेट खरीदे कि नंबर ऑफ कलर पेंसिल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्राउंस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पैकेट तो बाद में खरीदेंगे, कितने खरीदने पड़ेंगे उससे पहले वो क्वांटिटी कितनी होगी कि दोनों को इक्वल कर दे, तो कम से कम कितनी होगी, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो वी नीड टू फाइंड हियर द एलसीएम ऑफ 24 एंड 32। तो देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 2, देन 12, 2, 6, 2, 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 32 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए यहां से मिल गया 2, देन ये 2, देन ये 2, देन ये 2, देन ये 2 और देन ये 3। तो ये आ गया 4, 8, 16, 32 इंटू 3, 96। तो 96 क्वांटिटीज होंगे कलर पेंसिल्स के और क्राउंस के, और दोनों ही इक्वल है 96 96। अब 96 करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कलर पेंसिल ये कितने खरीदने पड़ेंगे। तो देखिए हर एक पैकेट में 24 है, आपको खरीदने 96 है, 96 अपॉन 24, तो 4 पैकेट्स लेने पड़ेंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ क्राउंस, तो ये क्राउंस पैकेट्स, तो ये कितने खरीदने पड़ेंगे, तो हर एक पैकेट में कितने हैं 32, टोटल चाहिए 96, तो 96 अपॉन 32, 3 पैकेट्स। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। एक कैंटीन है जहां पे हमें 144 कार्टून्स जो है कोक के और 90 कार्टून्स जो है वो पेप्सी कैन के, ये हमें जमाने हैं स्टैक में, ठीक है। इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट एंड इज टू कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक, हर एक स्टैक की जो हाइट है ये सेम होनी चाहिए, और जो हर एक कार्टून है उसकी भी हाइट क्या दी हुई है, सेम दी हुई है, क्योंकि सेम ड्रिंक कह रहे हैं। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स कितने हो सकते हैं हर एक स्टैक में, तो ये हमें फाइंड करना है। मीन्स वी नीड टू फाइंड
HCF ऑफ 144 एंड 90 सिंपली. तो देखिए HCF ऑफ 144 एंड 90 ये फाइंड कर लीजिए. तो यहां पे 90 ये डिविजर हो जाएगा 144 डिविडेंड, तो वन टाइम्स में ये जाएगा. यहां आ गया 94, 14 माइनस 9 5 ये जीरो हो गया, 54 ये बन गया हमारा डिविजर और 90 ये डिविडेंड. अगेन वन टाइम्स में ये 54, तो 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 3. अब यहां डिविडेंड 54 आ गया. अगेन ये वन टाइम्स में जाएगा 36, रिमाइंडर आ गया 18. अब यहां डिविडेंड ये 36, तो 18 टू जो 36 रिमाइंडर आ गया जीरो. रुक जाइए, लास्ट डिविजर ये एच सी एफ होगा. तो एच सी एफ यहां से आ गया 18. मीन्स हर एक स्टैक में कितने कार्टून्स हमें जमाने हैं, 18. देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ 24 एंड 15 रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे दो ब्रांड के चॉकलेट के बारे में बात की जा रही है जिनके पैकेट्स अवेलेबल हैं. जो फर्स्ट ब्रांड है उसके हर एक पैकेट में 24 चॉकलेट्स है और जो दूसरा ब्रांड है उसके हर एक पैकेट्स में 15 चॉकलेट्स हैं. इफ़ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड्स, अगर हमें इस प्रकार से खरीदने हैं उन चॉकलेट्स को कि दोनों ही ब्रांड के चॉकलेट्स हमारे पास उनकी क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए. वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय. तो कम से कम हम ऐसे कितने बॉक्सेस खरीदे कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाए. तो देखिए कम से कम ऐसे कितने हमें बॉक्सेस खरीदने हैं, तो इससे भी आप समझ सकते हैं. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है, जहां भी लीस्ट रहे एलसीएम, ग्रेटेस्ट रहे एचसीएफ, ये तो तरीका है ही. और ऐसे भी आप समझिए कम से कम आपके पास कितने ऐसे चॉकलेट्स हो कि जिससे दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाए, तो इससे भी आप समझ सकते हैं. एलसीएम निकालना है तो देखिए वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 15. तो 24 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5. तो देखिए यहां से मिल गया 3, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन इंटू 5, तो ये आ गया 6, 12, 24, 24 5 जब 120. तो मिनिमम जो क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों ही चॉकलेट की ये 120 होनी चाहिए. अब 120 करने के लिए टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ फर्स्ट ब्रांड ये कितने खरीदने पड़ेंगे. तो देखिए अब यहाँ पे हर एक पैक में 24 है और टोटल लेने हैं 120, तो इसके लिए 120 अपॉन 24 फाइव पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे. नाउ टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सेकेंड ब्रांड ये कितने लेने पड़ेंगे. अब यहाँ पे हर एक पैकेट्स में 15 चॉकलेट्स है, 120 करने हैं, 120 अपॉन 15 ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे. क्लियर. सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ मैसन हैज टू फिट अ बाथरूम विथ स्क्वायर मार्बल्स टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज. एक मैसन है जिसको बाथरूम में टाइल्स लगाने हैं, स्क्वायर शेप का होना चाहिए टाइल्स, और वो एक टाइल्स मैक्सिमम एरिया को कवर कर रहा हो, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज का वो मार्बल हो. द साइज ऑफ द बाथरूम इज 10 फिट बाई 8 फिट. जो साइज दी हुई है बाथरूम की वो दी हुई है लेंथ 10 फिट और ब्रेथ 8 फिट. वॉट वुड बी द साइज इन इंचेज ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कट एंड हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड. तो जो टाइल्स लगेंगे जो स्क्वायर शेप का है उसकी डायमेंशंस क्या होने चाहिए कि वो एक टाइल्स मैक्सिमम एरिया को भी कवर करे, ठीक है, और ऐसे कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे ताकि इस पूरे बाथरूम में टाइल्स का जो काम है ये पूरा हो सके. तो देखिए टाइल्स का जो शेप है ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है, और ये हमें पता करना है इसके जो डायमेंशंस है वो इंचेज में पता करने हैं. तो सबसे पहले इन जो फिट है इनको इंचेज में कन्वर्ट कर लीजिए. तो वन फिट इक्वल टू होता है 12 इंचेस. तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगी बाथरूम की ये 10 फिट है, तो 10 इंटू 12 120 इंचेस, और ब्रेथ है 8 फिट, तो 8 इंटू 12 96 इंच. तो अब किस साइज का जो है हमें स्क्वायर मार्बल्स कट करने हैं, तो देखिए और वो मैक्सिमम एरिया को भी कवर करे, तो वी नीड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 120. एचसीएफ ऑफ
96 एंड 120 ये फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 120 डिविडेंड 96, ये डिविजर 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ आ गया 96, 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 9 2 और ये 0 बन गया। अब डिविडेंड बन गया 96, 24 4 या 96, रिमाइंडर आ गया 0, तो HCF जो है ये आ गया लास्ट डिविजर 24, तो ये आ गया 24। इतना क्लियर? तो ये तो पता चल गया कि 24 इंचेस का इसका लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए मार्बल का, स्क्वायर शेप है। अब ऐसे कितने स्क्वायर मार्बल्स हमें लगेंगे इस पूरे में टाइल्स करने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये क्या होगा, जितना इस बाथरूम का एरिया है, तो एरिया ऑफ बाथरूम अपॉन एक जितना जो है स्क्वायर से ये कवर कर रहा हो एरिया, तो एरिया कवर्ड बाय ईच टाइल्स, एरिया ऑफ बाथरूम ये क्या हो जाएगा 120 इंटू 96 लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे एरिया कवर्ड ऑफ ईच टाइल्स ये क्या बन जाएगा 24 इंटू 24 5 24 4 5 इंटू 4, तो ऐसे हमें 20 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? आई होप कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हों। अब इन्हीं लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th, ये तीन क्वेश्चन अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 7th 8th 9th इनके आंसर्स ये लिखे हुए हैं, आई होप कि आप इजली कर लोगे, और अगर कोई भी डिफिकल्टी जाती है तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, ठीक है।